आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब आप स्किप स्किप करके देखते हैं ना चीज़ें तो फिर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लूज आउट कर देते हैं जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पूछा मैं पिछली बार कल पिछली बार नहीं कल के वीकेंड इंटरव्यू कहाँ तो हमने पिछली बार आपको बता दिया था कि बिकॉज इश्किया की आखिरी किस्त आनी है मंडे को और बिकॉज अब हम ये बात आमना रिवील कर सकते हैं उस वक्त नहीं कर सकते थे फ्राइडे को आमना का जूरी सेशन था लक्सटाइल वॉच का कल मेरा था तो आप लोगों के प्यार की बदौलत मैं जो हूं अब टीवी वी ज्यूरी पे हूँ आमना माशाल्लाह पंद्रह बीस साल से ऑलरेडी फैशन जूरी में है तो हमारे जूरी सेशन से जिस वजह से हम फ्राइडे को थोड़ा सा आपने देखा था रिकॉर्डेड सेशन हमें चलाना पड़ा प्यार के सदके का और मंडे को हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि इश्किया का फाइनल एपिसोड भी आना था तो हमने सोचा कि हम ट्यूजडे को कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा तो आज ट्यूजडे को आप हमारा वीकेंड इन रिव्यू देख रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे बंदे एक डोर से लोग क्या कहेंगे दिलरुबा सबात और और इश्किया के के दो फिनाले और मैं ये कह दूं कि मैंने क्या कहेंगे नहीं देखा और आपने नहीं देखा तो संडे को जिन लोगों ने देखा उन लोगों के प्यार का अप्रिसन का फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आमना खुद अब जी क्योंकि मैं क्योंकि बोल नहीं सकती मेरे विभाग के शुक्रिया अदा कर रहे हैं लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ऑल द फीडबैक ऑल द ग्रेट कॉम्प्लीमेंट्स ऑल द इनकरेजमेंट बहुत अच्छा लगा हसन के लोगों ने पढ़ा और काफी लोगों ने मेरी फैमिली में देख के कहा कि यार वीडियो तो अच्छी है सो है लेकिन कॉमेंट्स बहुत अच्छे हैं आप क्या मॉडरेट करते हैं अपने कॉमेंट्स okay. मैंने कहा अला कस मैंने कोई कॉमेंट एक भी मॉडरेट जो किया हो नथिंग वॉज मॉडरेटिंग

जिंदगी गुलजार है के ऊपर बट जैसे मैंने आपको पहले हम लोगों ने बताया था कि उसमें बहुत एफर्ट जाती है, तो थोड़ा सा प्लीज पेशेंस का इजहार करें इनशाला होपफुली हमारी कोशिश पूरी है कि अगस्त के महीने के अंदर अंदर आपको अगला हॉट गोल्ड भी देखने को मिल जाए इन जी हसन तो फिर शुरू करते हैं ब्रेक लेते हैं और शुरू हो जाए कहीं जाइएगा मत

कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत रियल हैं जो जो रिएक्शंस आप उनसे चाहते हैं या प्रिडिक करते हैं वो वो रिएक्शंस वो दे रहे हैं और ऐसा नहीं है कि अगर एक ईवल सास है तो वो इस हद तक ईवल है कि वो घर बर्बाद कर दे ये वो हो वो, वो ऐसी औरतें भी होती हैं मगर ऐसी भी होती हैं जो नोक झोंक तो जिनकी चलती रहती है लेकिन बेसिकली एक फैमिली यूनिटी और फैमिली सैक्रीफाइस hmm. का एक एलिमेंट है तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है जो जकिया और रज़िया के बीच में है ना रिलेशनशिप इट्स वे इट्स वेरी नाइस इट्स अ गुड रिलेशनशिप मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो उमर है उसकी उन्होंने कंफ्यूजन दिखाई है बिल्कुल ये नहीं किया कि अच्छा पहले उसको पता ही नहीं चला हाँ। और एकदम उसको बिठा दिया बिल्कुल। उसका थॉट प्रोसेस वो दिखा रहे हैं कि वो, वो बाप से बात, तो से बात करने गया है तो दिखाया माँ से बात करने के दिखाया फिर चाची के पास गया भाई के पास गया भाई के पास गया

क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे टाइम में उसके पास एप्पल है वो मना कर दे और सर निकाह जब पड़ रहा होगा तभी रोशनी है ना जो हाँ, बस, जो बस, बस बस, जी पे आ रही है वहां से तक उनके साथ बहुत बुरा हुआ है है उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे समझ नहीं आई कि वो जो आ, है अपना लड़का क्या नाम है उसका नबील है नबील हाँ. नबील और नबील की वालदा का मकसद क्या था इसको ले जाने का हाउस हेल्प मेरा नी ख्याल है यही था और क्या था हाउस हेल्प कि हेल्प आउट uh, कर देगी आंटी को शायद वो नबील की शादी कराने जा रहे हैं ऐसा हो सकता है आप में बाद इसमें क्लैरिटी इस में मिले hmm. कि नबील की शादी कराने जा रहे हैं तो शादी वाला घर है तो उसमें आपको जरूरत पड़ सकती है नॉट वो एज अ मेड उसको लेके गए थे बट समी हुन अराउंड क्योंकि वो माँ बेटा की छोटी सी फैमिली है और इतना बड़ा घर है और रिश्तेदारों ने भी आना जाना है वो सब बिकॉज शी करेक्ट हर इन लॉज दिस शी दिन करेक्ट बट जबकि वो कभ, कहीं से बेचारी जब वो अपने बाल ब्लो करके बैठने लगती है कहीं से वो मासी या मेड नहीं लगती लेकिन आपको क्या लगता है she she of... ना, guy, friend, और वो इस्लामाबाद चलेगी उधर हाँ. और वहां जाके उसने कहा बस ठीक है मेरा तो यही घर है और ये स्विमिंग पूल एंड ऑल ऑफ देट हाँ। तो तो कि उस हुआ हुआ उसके साथ हुआ। सुत्री हुई है है हाँ। ये मैं भूल गई थी <laughs> क्योंकि मैंने शुरू से देख रही हूँ उमर कुमाही के साथ मेरे दिमाग में वही है हाँ। तो मैं ये बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था कि ने तो पीछे उसको लगाया बसा तो नहीं छोटी नहीं, नहीं, सी बात क्योंकि अदरवाइज ये कोई ऐसा नहीं है कि रिग्रेसिव स्क्रिप्ट है स्टोरी लाइन वैसे मतलब नहीं है मुझे थोड़ा सा हुआ कि 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 माही का ओपिनियन जरूर ले लेना ले चाहिए तो के बारे में में किसी ने उससे बात नहीं की मतलब उसको अब बिल्कुल एंड एंड पे पता पता चला है कि उसकी उम्र से शादी हो रही है वो तो उमर को भी ही शी शीर। शीर। एक ये छोटी हाँ सी चीज काबिल तनकीद थी वहाँ बहुत अच्छा वो सारा डायलॉग था जब वो कह रहे होते Uh, मेरी बहन को अभी से ही इतना तकलीफ दे रहे हैं बाद में ये क्या आशय हाँ। करेंगे इतने लालची लोग हैं मुझे करना ही नहीं है मतलब ऐसे पहले बता होता तो हम करते ही ना दैट एंटायर कॉन्वर्सेशन वाज वेरी गुड ओवरऑल आई थिंक इट वाज दो बड़े प्रिडिक्टेबल जर... थे बट ऐसा नहीं था कि एंजॉयएबल नहीं था जी तो एंजॉयएबल थोरली एंजॉयएबल एपिसोड बहुत सारे लोगों ने हमसे ये भी कहा कमेंट्स में कि आप uh, इसको क्यों नहीं बंदे एक डोर से को क्यों रिव्यू नहीं कर रहे तो बंदे एक डोर से हम टेक्निकली क्योंकि कर नहीं पाते बहुत ज्यादा ड्रामे होते हैं वीकेंड रिव्यू में तो हम उसको वीकेंड इन रिव्यू में शामिल करते हैं अब पता नहीं वो लोग वीकेंड इन रिव्यू देखते हैं या नहीं देखते लेकिन देखते बात यह कुछ ड्रामे खत्म हो रहे हैं इस हफ्ते और कुछ नए शुरू हो रहे हैं तो हम ये सारी रिश्लिंग करेंगे ये रिश्लिंग करेंगे और इस पर हम एपिसोड के एंड में डिस्कशन करेंगे करना क्या बंदे एक डोर से फिर आते हैं दिलरुबा के ऊपर हाँ जी दिलरुबा नॉट वेल डन

तो हसन मैं आपको बड़ा एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ इसका जो कि शायद मैच ना करे लेकिन आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन अपनी जब इंसान की लाइट जाती है आठ घंटे के लिए जब लाइट जाती है जिन लोगों के पास यूपीएस होता है वो कहते हैं शुक्र है यार पंखा चल रहा है दूसरे तीसरे घंटे बाद उनको लगता है हाई यार काश हमारे पास जनरेटर होता जिनके पास जनरेटर है उनका एक ए चलता है फिर कुछ घंटे बाद जब लाइट नहीं आती वो कहते हैं कि हाई यार काश इतना बड़ा होता कि दो चार ए तो चल जाते हैं कहने का मकसद ये है कि आपके पास जब कुछ नहीं होता तो आप एक स्ट्रगल मोड में फायर फाइटर मोड में चले जाते हैं जो कि सनम गई थी वन रजी जब उसकी रेपटेशन भी जा रही थी पैसा भी नहीं था माँ की बाप के घर वापस आ गई बच्चा भी हो गया मियाँ भी मर गया ऑल ऑफ दैट फिर जब उसको थोड़ा थोड़ा करके जब मिलना शुरू हुआ तो had, .e. a son, a ये जरा सा ड्रामा होता तो डाई एक्चुअली

इसका कैरेक्टर जो है वो बड़ा सिंपल है कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बड़ा सिंपल है बाकियों का जो कैरेक्टर्स हैं इन्होंने ट्रैक शुरू कर दिया अब्दुल्ला का बड़ा अब्दुल्ला नहीं, नहीं, जो भाई होता है आ, का भाई, अच्छा, हाँ। वो बड़ा नहीं, था। ये जो भी डाला बीच में ये तो मुझे आपको दिखाने के लिए अभी भी वैसी ही है मेरे ख्याल में मुझे अब मुझे शक पड़ा जब उसने कहा ना कि शादी कर लो तो वो खुला उससे दिला के ताकि वो घर वर उसके हाथ से निकल जाए क्योंकि सनम के साथ एंड में होना तो ऐसा हो फिलहाल तो खुरम अपना पूरी जदाद जो है थोड़ी बहुत जो फैक्ट्री उसके नाम है वो भी लुटाने के लिए लुटाने के लिए तैयार बैठा है भाई का अपना चल रहा है उसकी से शादी हुई है वो जुनेद की फर्स्ट कजन है

फिर उन्होंने जो पैसे बच्चे कुछ थोड़े बहुत रहे बच्चों ने कहा पिज्ज़ा खाना है तो उन्होंने अपना मोबाइल भी बेच दिया बीस हजार रुपये का सैमसंग का और कुछ सस्ता सा मोबाइल ले लिया एक चार पाँच हजार रुपये वाला तो बच्चों को पिज्ज़ा भी खिला दिया बच्चे स्कूल से फारुग होने लगे हैं क्योंकि छः महीने से फ़ीस जमा नहीं कराई एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ और उसकी बीवी वो है जो गर्ल है बीवी उनकी क्या नाम है उसका बीवी का

फोन कर लेती है उनको हाँ। अपने भाई को भाई की जो बीवी है एज एक्सपेक्टेड वो इवल कैरेक्टर है तो वो भाई के कान भरती है कि देखा उसने तुम्हें खुद नहीं फोन किया और बीवी से फोन करा दिया और ये वो और ब्ला 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 के मतलब उसकी ईगो की तो भाई, तो भाई कहते right. हैं मुझे मदद करनी पड़ेगी दूसरी तरफ जो जहाज असलम का कैरेक्टर है वो एक जगह नौकरी करने जाता है उनको पैंतीस हजार की नौकरी ऑफर होती है और ये उनको फैसल कुरैशी ने साध ने सेट कराई होती है तो ही कम्स बैक इन है

मुलाकात होती है साद और साद मीरब मीरब एक एक दूसरे दूसरे को को तुम तुम करके भी करते हैं। शायद आप, आप जनाब हाँ। वाला रिलेशनशिप होगा है। But चीज़ के तुम समझाओ ना उसे। क्योंकि नस... वो काफी बड़े हैं उनसे उम्र में और वो कहते हैं रक्षे में जाने की क्या जरूरत है मेरी गाड़ी है ये वो अच्छा तो ये हुआ के हालात बहुत बुरे हैं। हैं जी भी, we need to get into the details now. काफी नहीं हो गया। क्या? किसी भी का <laughs> जो जो है 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 वो उनका इंटेंशन हम कर चुके है, लोगों की। हाँ, मुझे है वैसे हमें कम हमारा हो गया था तो लोगों का नहीं हमें करना चाहिए था तो ये है जी. लेकिन अब हम पता जा है हैं आपने क्यों नहीं देखा मुझे अच्छा लेकिन मुकद्दर आप आपने मैं, आपको क्यूँ दिया जी का? अच्छा अब ये है कि डेवलपमेंट हो रही है, बहुत जल्दी से, जो है वो हारिस की वालदा की डेथ हो गई है जो कि हमारी हीरोइन जो है उसकी वो ममानी है अच्छा मगर वो वहां नहीं जाती बिकॉज उसको यही होता कि मुझे हारिस जो एक्सेप्ट करेगा लास्ट टाइम भी धक्के मार के निकाल दिया था तो मैं नहीं जाता हारिस की शादी हो गई है हारिस की शादी हो गई है हाँ जी

ये नहीं कहती कि मुझे जाना है और मुझे उनके जनाजे पे जाना है या बेशक हारिस मेरी बेस्ती करे मुझे मामू से मिलना है इंसान ये तो सोच सकता है ना कि जी नहीं फौत हो गई तो तो हाँ. तो मैंने यहां अकेले नहीं रहना फार्म हाउस अच्छा, तो 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 भी पहले, पहले वो कह चुकी होती है वो कहती नहीं अभी मुझे अकेले छोड़ के मर जाए तो वो उसको ले जाता है वहां पे और वहां पे आई वो लेके जाता है और जब वो कहता है ये है आपकी बेगम सरकार तो माँ को तो पता होता है कि इसने शादी कर वाइफ को, को. को और उनको ये भी पता होता है कि इसकी ये लाना चाह रहा है शुडन नो कि एकदम ले आएगा तो डॉटर हैज़ नो क्लू अच्छा अभी तक उसको नहीं नहीं अरीबा हैज़ नो क्लू अबीरा एंड आई मस्ट से दैट हर एक्टिंग वॉज वेरी गुड वेन शी लुक्स एट हर फादर एंड शी लुक्स एट दिस यंग गर्ल ऑन हिज आर्म एंड एंड हर एक्सप्रेशन वो कहता है ये तुम्हारी छोटी माँ है और वो कहती क्या एंड यू नो हर हर एक्टिंग वॉज सो गुड

एक्ट कर रही है की ये मेरा घर है अगर मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ तुम मेरे घर में क्यूँ रह सकती वाईज और सरप्राइज है तुम ऐसे कर रही हो लाइक हेलो

आपकी शेरवानी गोडो से ऊपर तो नहीं थी नहीं मेरी काफी लंबी थी काफी भी नहीं होनी चाहिए शेरवानी बोड लाहौर ने बनाई थी और बहुत खूबसूरत थी बहरहाल डॉक्टर हारिस की शेरवानी मुझे नहीं पता किसने बनाई है लेकिन भाई बड़ी ही उटंगी शेरवानी थी जितनी हसीन वो मिराल लग रही थी ना आई डोंट नो बोथ डिजाइनर्स आई देयर क्लोथ्स शी लुक्ड ब्यूटीफुल आई मीन दैट ऑफ शोल्डर कट विद चादर दुपट्टा एंड दैट चोकर एंड दैट टीका टीका था कि नहीं था पता नहीं टीका नहीं मुझे याद बट दैट मुझे याद है बाल बट यार yeah, सारा लुक वेरी नाइस सारा लुक ब्यूटीफुल एंड हर एक्सप्रेशन एंड डॉक्टर हारिस ऑल्दो नॉट सो मच नो तो ये ऑल्दो गुड लुकिंग मैन गुड एक्टर बट उटंगी शेरवानी उस्मान के स्टाइलिस्ट के लिए ये है कि भाई आपने Na Usman na. Ke saath. Usman, he's is a, a good looking boy, good looking guy. He deserved better. And you I feel he's been shortchanged like on all aspects. Yeah, it's kind of sad. It's sad. Yeah. It's I would sad. like to see him in a proper role and a leading role, not a side role, like not a supporting hero, but a leading hero.

मुझे फरीद 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 साहब 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 बहुत करते हैं। आप अच्छा interesting... बैठते अपनी बीवी की करते हैं। हैं हैं। इंटरेस्टिंग दे दूं जो हाँ जी। जो के एक्टर uh, हाँ हाँ उनकी इंस्टा मैंने लोगों ने भी लिंक भेजे बड़ा अच्छा गाते भाई बहुत मशहूर सिंगर हैं और आई एम श्योर दोनों गाते होंगे

ची बात बोलो मैं आपको पता है हम मैं सच बोलता हूँ जब मैं ड्रामे रिव्यू कर रहा होता हूँ मैं हमेशा सच बोलता हूँ मैं झूठ नहीं बोलता सच्ची बात यह है जब मैंने ये एपिसोड देखे इश्किया के आखिरी दो एपिसोड एक तरफ और इश्किया बाकी पूरा ड्रामा एक तरफ जी सच्चे दिल के साथ मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपने आप को रिडीम कर दिया ये कंक्लूजन दिखा के और आखिरी के दो एपिसोड्स की जो एग्जीक्यूशन जिस हिसाब के साथ हुई हुई है एक जगह पे हमजा इज सिटिंग वहां पे फ्लैश बैक आया फ्लैश बैक्स भी नहीं आए जिस पेस के ऊपर डेवलपमेंट हुई है आखिरी के दो एपिसोड में और जो इवेंचुअली कंक्लूजन हुई है आई एग्री विद इट आई सपोर्ट इट एंड आई थिंक बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन डिजर्व करता है आपके डायरेक्टर राइटर और ये सारी टीम बिकॉज अनपॉपुलर एंडिंग कराना एक ड्रामे की बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा मुश्किल काम है इवन दो ये ऑब्वियसली उन्होंने पहले शूट कर लिया होगा और शायद उन्होंने एंटिसिपेट ना किया हो कि इसका पॉपुलैरिटी का ये लेवल रीच होगा बट स्टिल यू नो एक आपको इंडिकेशन हो जाती है कि अगर ये ड्रामा इस तरह से इस हिसाब से जाएगा और अगर टेक ऑफ कर जाता है तो लोग ऑब्वियसली रूमी के कैरेक्टर और हमजा के कैरेक्टर के साथ एक एसोसिएशन डेवेल्प कर लेंगे उस केस में एंड में आगे ये एंडिंग चूज करना आई थिंक हुन जो जो मसले पहले थे हमें, uh, खींचा स्टोरी को मेरे हिसाब से personally end के सात एपिसोड नहीं होने चाहिए थे। मतलब एपिसोड निकल चुके थे बीस बाईस एपिसोड में ड्रामा कंक्लूड हो जाना चाहिए था और अगर हो जाता तो बहुत जबरदस्त होता आपने सब कुछ कह दिया हसन एब्सोलूटली uh, मेरी यही है ओपिनियन कि जो इन्होंने कंक्लूजन दिखाया है द एंडिंग वॉज परफेक्ट और इवन एक एक करके कैरेक्टर्स के जो Uh, जिस तरह राउंड अप की है ना कैरेक्टर्स मतलब उन्होंने ये दिखा दिया कि सबसे पहले आपको राउंड अप की बात करते हैं कि हमना और अजीम किस तरह अपने कंक्लूजन को पहुंचते हैं किस तरह उनकी आपस में बेहतर हो जाती है रिलेशनशिप वेरी गुड और हराइजन में जो हाथ हाथ पकड़ के वॉक कर रहे होते हैं आई मीन इट वॉज अ गुड एंडिंग फॉर देम दूसरा चीज़ है कि कंक्लूजन जो एक मेजर थी बिटवीन रूमी एंड हमज़ा इट वॉज़ द बेस्ट एंड इसके अलावा कोई एंडिंग होनी ही नहीं चाहिए थी बिकॉज जैसा कैरेक्टर रूमी का दिखाया था हॉट हेडेड इमोशनल प्यार निछावर करने वाली लेकिन गुस्सा भी डालने वाली वो उसको माफ़ कर ही नहीं सकती और वो माफ़ी डिज़र्व भी नहीं करता था हिडन डिज़र्व टू बी फॉर गे हमना जो थी आई फील दैट शी वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली फ्लॉड मगर वो वही बात है कि जो कमज़ोरी होती है ना वो इंसान का फ्लॉ बन जाती है उसका वो प्रॉब्लम था हर वीकनेस वॉज हर फ्लॉ विच इज़ वाई अ वीकनेस इज़ अ फ्लॉ इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ ये जो था इसकी तो कोई रिडीमेबल फैक्टर ही नहीं था हमजा का दे वॉज नथिंग कि कि जिसपे आप कहते कि नहीं यार ये गलती इससे हुई है माफ़ कर दो गलती नहीं थी इट हैड बिकम हिज लाइफ स्टाइल और वो बिल्कुल सही कहती है कि तुमने क्या मोहब्बत की तुम्हें पता था कि वो अगर वो तुम बता देगी तो तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा सो यू डेंट वॉन्ट है कंक्लूजन बिल्कुल सही था

हमना का बाप को ना बताना हिम्मत ना होना कहने की कि मुझे लड़का पसंद है समझ आता है निकाह के लिए हाँ कर देना समझ आता है हमजा को ना बताना कि निकाह हो रहा है समझ आता है मगर हमजा को ना बताना हमजा को ना बताना थी? कि मेरा निकाह हो गया है वो भी समझ आता है लेकिन बहन की शादी होने देना हमजा के साथ और उस वक्त ना बोलना वो समझ नहीं आता ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है एंड आई एग्री विद इट और मैं इसी के ऊपर आ रहा था इवन दो उन्होंने ये बात बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश की है बिकॉज हमजा के पास हमना के मैसेजेस थे हाँ जी सेंट्रल पॉइंट ही है कि उसके पास मैसेजेस थे और उसने उसको थ्रेटन किया था कि अगर तुमने कोई बात की मैं तुम्हारे मैसेजेस दिखा दूंगा और फिर उन्होंने हमजा ने यह कहा कि मैं ऑब्वियसली मैं असल में कभी भी ना दिखाता वो तो, तो मैं ऐसी कह रहा था एंड एवर और उसका भी रूमी ने उसको जवाब दे दिया कि तुम बकवास कर हो ये तो हाँ। तुम्हारे हाथ में पावर थी बट उनका पॉइंट यह था कि मैसेजेस की वजह से नहीं दिखाया फिर भी

के यार के असल कल्प्रिट जो है वो हमने और हमजा जो है ना उसके साथ अभी भी ज्यादा हुई है पहले भी ज्यादा हो रही थी इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन देर बोथ हेट फॉल्ट मगर उसका क्राइम जो है वो वीकनेस है और उसका क्राइम जो है वो है मैनिपुलेशन um, और नास्टीनेस सो so, दोनों में बहुत फ़र्क है वो नीयत बहुत फ़र्क है दोनों की वो अपने आप को बचाने के लिए एक कमज़ोर औरत की तरह एक उसने गलती कर दी है वो गलती है ये जो करता है वो क्रिमिनल बिहेवियर है कि उसको स्टॉक करना और उसको टॉर्चर देना और फिर उसकी बहन से शादी करना वो क्रिमिनल बिहेवियर है और लोगों ने पसंद किया उसकी और रूमी की केमिस्ट्री को अगर वो ना होती तो ही वुड हैव रिमेंड क्रिमिनल कैरेक्टर शुरू में जब मैंने कहा था आपको याद हो एक, एक एपिसोड में कहा था कि जब इसकी हमना की शादी हो जाती है और ये तड़प रहा होता है एट दैट पॉइंट इज अ अट्रेजिक हीरो बिकॉज ऑब्वियसली ही इज बीन बिट्रेड बट देन वॉट ही डज आफ्टर वर्क ही कंटिन्यूज टू कंटिन्यूज टू तो वो अपना स्टेटस मैं कल देख रहा था हाँ। उसकी कंक्लूजन ट्रैजिक हीरो वाली हुई है नाउ आई वुड अब मैं समझ रहा हूं इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते कंक्लूजन एक्चुअली डिफाइंस द कैरेक्टर बट जो आपने अब ये बात की जो मैं जिस पे मैं आपका ओपिनियन चाह रहा था कि व्हाई पीपल थिंक कि हमना के साथ बुरा क्यों नहीं हमना के साथ ज्यादा बुरा होना चाहिए था आ, मुकाबला ये जो हमजा है या औरत पोजिशन ऑफ पावर में होता है और पोजिशन ऑफ पावर में होके किसी दूसरे वीक इंसान के ऊपर जुल्म करता है तो हमेशा कसूरवार वो होता है पोजिशन ऑफ पावर में हमजा था क्यों मैसेजेस उसके पास थे हमना ने एक गलती की जो भी किया हमजा के पास ऑप्शन था उसको माफ करने का हमजा ने नहीं किया हमजा चाहता ना कहता ठीक है यार गिव यू माफ कर नहीं किया चलो उसने गुस्से में आके उसकी बहन से शादी कर ली ये भी काफी था बट नहीं हमजा के लिए वो काफी नहीं था हमजा ने शादी करने के बाद भी उसको हमना को टॉर्चर करना जारी रखा जब वो हनीमून पे गए हैं वहां पे भी शादी करना भी जायज नहीं था आप किसी की जिंदगी चलो में अगर हमारी ऑडियंस ये कह रही है कि यार के हमजा के साथ बहुत जुल्म हुआ तो चलो हमजा ने हमना की बहन के साथ शादी कर ली इस पे तो आप लोगों को ठंड पड़ जानी चाहिए थी ना आपको अभी भी ठंड नहीं पड़ी आप अभी भी कह रहे हैं कि उसके बाद भी वो भी वो टॉर्चर करता रहा फिर हमना के साथ ज्यादा बुराई होनी चाहिए थी और हमजा को माफ कर देना चाहिए था ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता और आप लोग अपने आप के इस थॉट प्रोसेस को थोड़ा समझें और कैरेक्टर्स को इवन तो हमने कहा कि मॉरल पुलिस नहीं करना चाहिए लेकिन कैरेक्टर्स को समझने की तो जरूरत होती है ना कैरेक्टर के ट्रेड्स को समझने की जरूरत होती है तो आप कैरेक्टर character के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश किया करें और ये समझे हमना चाहिए था ऑफ कोर्स बताना चाहिए था बहन को एटलीस्ट शादी से पहले जरूर बताना चाहिए था लेकिन अगर वो नहीं बता सकी तो आप हमना का और हमजा का बिहेवियर इक्वेट नहीं कर सकते और वो बड़ी जरूरी बात वो करती है कि जो प्यार होता है उसमें आप अगले के लिए सैक्रिफाइस करते हैं आप अगले की खुशी चाहते हैं इसने तो खुशी नहीं चाहिए हमना ना कि तो कैसा प्यार था बकवास ही थी ना बिल्कुल अच्छा वर्ड अबाउट परफॉर्मेंसेस जी हानिया has done a fantastic job. Fantastic job. job. Fantastic. fantastic job. I wouldn't be surprised कि अगले <laughs> साल हानिया को जो है वो nominations मिले awards के लिए consider Hania किया जाए. Hania का as Rumi एक-एक expression of disappointment

मुझे लगा एक जगह पे कि फिरोज़ की आंखें वाकई सूजी हुई हैं और मुंह सूजा हुआ है कि जिस तरह बंदा डिप्रेशन में नहीं ब्लोट कर जाता उस तरीके से मतलब है कि आई मीन इट वाज इट वाज फैन फिरोज के लिए मेरे, मुझे ऐसा लगा सबसे चैलेंजिंग सीन था जब वो रूमी को बैठ के पूरी स्टोरी सुनाता है hmm. कि अपन, नहीं, अपनी स्टोरी में अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुनाता है आई थिंक इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग सीन बट ही एंड देन एंड में

So, writer तो ending choose करना change कर सकते थे नहीं लेकिन राइटर को अगर आपको आप आप, भी आप को भी पता पता जब जब डलता है है तो course, हो जाती course, है। नहीं नहीं लेकिन कि आप ब्लेम राइटर भाई आपने अली जबरदस्त एंडिंग दी है इसकी और कोई कंक्लूजन नहीं हो सकती थी और गोडे गोडे ठंड पड़ी है हमें देख के एक पॉइंट में मुझे ये लगा यार

तब मैं इंटरव्यू करता तो लड़ाई झगड़ा शायद ज़्यादा होता लेकिन अब एंड के दो एपिसोड्स के बाद मेरा परस्पेक्टिव काफ़ी बदला है इश्किया को लेकर तो आई थिंक थिंकट बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन तो कोशिश होगी कि इसी हफ्ते इन आपको बदर महमूद से मिलवाएं जो कि इश्किया के डायरेक्टर हैं एक दो और लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि हानिया का फिरोज का इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे जैसे आयजा ने नहीं देना चाहा था मेरे पास तुम हो के वक्त इंटरव्यू उस तरह हानिया ने और फिरोज ने भी नहीं देना चाहा उनके अपने पर्सनल रीजनस होंगे

वो भी कर सकते हैं वो भी अब आप जरूर करें बट मैं कोशिश ये होगी कि आप जैसे प्यार के सदक तहजे को खत्म हो रहा है तो फारूक भाई के साथ प्यार के सदके खत्म होने के बाद एक इंटरव्यू उनके साथ ओवरऑल एक आप जरा ड्रामे को समझें कि कहाँ से क्या गया था ऑडियंस भी बेहतर समझ सकती है हम भी बेहतर मगर कर, मैं राइटर्स में भी मैं आप जरूर डायरेक्टर्स भी आर वेरी मोन्यूमेंटल टू द प्रोडक्शन मगर मैं राइटर का एज अ राइटर मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि एक था प्रोसेस क्या होता है कैरेक्टर लिखते हुए या स्टोरी लाइन लिखते हुए बिकॉज हम लोग अक्सर ही बहुत तनकीद करते हैं कि भाई ये स्टोरी के ये हिस्सा क्यों है ये हिस्सा क्यों है I really want to know। मतलब एक वो भी राइटर हैं जिन्होंने चुड़ैल जैसी स्टोरी लिखी चुड़ैल्स हाँ। जो कि ऑफ कोर्स कल रात को मिडनाइट पे एयर हो चुकी हैं ऑल एलेवन एपिसोड मैंने देखनी शुरू कर दी अच्छा। हैं हाँ जी नॉट फॉर द फेंट हार्टेड नॉट फॉर द लाइक स्टमक वेरी ग्राफिक वेरी पार्ट्स ऑफ इट आर वेरी डिस्टर्बिंग नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेनिटीज या लैंग्वेज या एल्कोहल एंड ड्रग्स एंड ऑल ऑफ दैट वो तो चलो एक मुझे रिफ्रेशिंगली रियल um, लगा कि एक यू नो रिफ्रेशिंग नहीं रिफ्रेशिंगली अनसेंसर्ड यू नो कि कोई भी चीज जैसी चल रही है फ्री फ्री फ्लो में वो चल रही है आई लाइक दैट पार्ट सम पार्ट्स ऑफ़ इट स्टिल टू ग्राफिक फॉर इवन मी इवन फॉर यू

आप उसको करें सब्सक्राइब और देखें एंड वर्थ वाचिंग हम हम भी mm -hmm. uh, देखने के बाद इसके ऊपर भी एक सेशन करेंगे चुड़ेल्स का भी जी हम... तो एक ये भी राइटर हैं जिन्होंने ये लिखी है फिर एक वो भी राइटर हैं एक विक्रम सेठ जिन्होंने अ सूटेबल बॉय जैसा नॉवल लिखा था और अब मीरा नायर ने उसको डायरेक्ट किया है अगेन सो ग्राउंड ब्रेकिंग सो रेवोल्यूशनरी स्टोरी टेलिंग पुशिंग दलोप मेकिंग यू थिंक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड पॉलिटिक्स एंड द आई मीन इट्स अनदर स्केल ऑफ स्टोरी टेलिंग तो हमें भी उस लेवल तक जाना है तो मैं तो चाहूंगी राइटर से बात करना कि हम उस लेवल तक क्यों नहीं जा पा रहे पाकिस्तानी ठीक है ठीक है तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हमने प्लान की हुई है बदर महमूद के साथ मैं दोबारा कह रहा हूँ इनशाला आपको इसी हफ्ते देखने को मिल जाएगा इंटरव्यू फिर थर्सडे को प्यार के सद के खत्म होगा तो फिर फारूक भाई के साथ आमना इन द मीन वी रीच आउट टू द राइटर्स उनके साथ भी इंटरव्यू जल्द करेंगे जरूर करेंगे अब हम आ, हमारी और आपकी मुलाकात होगी वेंसडे को विद हॉट बाइट्स और फिर इंशाल्लाह होगी फ्राइडे को विद रिव्यू इस बीच में जो हमने ये अब डिसीजन लेना है बिकॉज प्रेम गली शुरू हो रहा है अगले मंडे को और अगले ही मंडे को शुरू हो रहा है हम टीवी पे मुश्क दो बड़े ड्रामे क्लैश करने वाले हैं उनका रिव्यू करना फिर और प्यार के सबके को क्या रिप्लेस कर रहा है अभी हमें नहीं पता बट शायद समी और वो सर आप जो सराप, ड्रामा जी. हो ये होगा और उसके अलावा क्या मैं कह रहा था बिखरे मोती का बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने कहा कि उसने एक इंटरेस्टिंग टर्न ले लिया है तो बिखरे मोती को भी हमें रिव्यू करना चाहिए तो अब आप लोगों ने अपने फीडबैक में हमें वो वो ड्रामे बताने हैं जो आप लोग देख रहे हैं जो आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं जो आप लोग चाहते हैं कि हम रिव्यू करें एज अपोज टू वो ड्रामे जो आजकल हम रिव्यू करें ताकि हम ये रीशफलिंग करके फ्राइडे को आपको बता दें कि हम आप अगले हफ्ते से क्या प्लान करने वाले हैं तो फ्राइडे को पूरा एपिसोड देखिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले स्केड्यूल का पता लगे खुदाफ़िर